वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो अर्थमेटिक से है, बोट एंड स्ट्रीम। हमने कम से कम 6 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं अर्थमेटिक में। टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, और आज बोट एंड स्ट्रीम भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, शायद टाइम एंड डिस्टेंस से पहले ही ख़त्म हो जाए। और एडवांस में हम कर रहे हैं ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स हम कर रहे हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम करने से पहले अगर कोई नाव पानी की दिशा में बह रही है, ठीक है, जिस तरफ नदी बह रही है, जिस तरफ पानी बह रहा है, उस टाइम बह रहे हैं, तो जो बोट की स्पीड होगी उसमें हम नदी की पानी की स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। बोट प्लस वाटर, बोट प्लस किसकी स्पीड, रिवर की स्पीड, तो ये होगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड ऐसे ही अगर कोई बोट जा रही है अगेंस्ट अगेंस्ट द स्ट्रीम, किसके जा रही है, विपरीत धारा के, अगर कोई नाव धारा के विपरीत जा रही है तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड होगी उसमें से बोट की धारा की स्पीड को माइनस कर देंगे, रिवर की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो ये होगी स्पीड ऑफ बोट माइनस वाटर स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम होगी जब हम पानी के साथ जाएंगे, जिस तरफ पानी बह रहा होगा डाउन स्ट्रीम होगी बोट प्लस वाटर, और अपस्ट्रीम होगी बोट माइनस वाटर। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इस पे ही पूरे क्वेश्चन बेस है, काफ़ी आसान चैप्टर है, फटाफट ख़त्म हो जाएगा, 15-20 क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ बोट रोड डाउन अ रिवर, कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, जिस तरफ पानी बह रहा है, डाउन अ रिवर एट 21 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से जा रही है, 21 किलोमीटर पर आवर। तो बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी हुई, 21, क्योंकि वो किस साइड जा रही है, जिस साइड पानी बह रहा है। एंड रोड अप द रिवर एट 9 किलोमीटर पर आवर, और जब ऊपर आती है, अप स्ट्रीम आती है, तब उसकी स्पीड हो जाती है, बोट की स्पीड में से किस की स्ट्रीम करेंगे, रिवर की स्ट्रीम, तो वो जाती है 9 किलोमीटर पर आवर। वॉट इज़ द वेलोसिटी, हमें स्ट्रीम निकालनी है कि स्पीड की क्या स्ट्रीम है, ठीक है, वॉट इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, तो ये क्या होगा, बी प्लस बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी प्लस बी 2b = 30, बी की वैल्यू कितनी आई, 15, बी की वैल्यू कितनी आई, 15, जब बी 15 आ गया, कोई सी भी इक्वेशन में रखो, इसमें या इसमें, तो 15 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू वाटर की स्ट्रीम इक्वल्स टू 21, तो वाटर की स्पीड कितनी आ गई, 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो पानी की स्पीड है, जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर, एक तैराक है जो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है, किस साइड, जब पानी नीचे की तरफ बह रहा है, जब वो पानी के साथ तैरता है, एंड अप स्ट्रीम, और जब वो उसके अगेंस्ट तैरता है, जब उसके विपरीत तैरता है, तो किस स्पीड से तैरता है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, हमें किसकी स्पीड निकालनी है, स्विमर की स्पीड, कब, स्टिल वाटर में, जब वो धारा के साथ तैरता है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है, 14 किलोमीटर पर आवर, और जो वह धारा के अगेंस्ट तैरता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 6 किलोमीटर पर आवर। सोल्व करेंगे, कैंसिल, 2s = 20, s = 10, s = 10 आ गया, स्पीड किसकी स्पीड आई है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर, स्विमर की स्पीड निकालनी थी, आ गई s = 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से s की वैल्यू कितनी आई, 10, हमें स्विमर की स्पीड निकालनी थी, आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ बोटमैन इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर, जब वो किस्में दा रहा है, जिस साइड नदी बह रही है उसी साइड तैरता है, तो उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब बोट प्लस वाटर 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वाइल द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, उसमें बोल रहा है जो स्ट्रीम की स्पीड है, वाटर की स्पीड है, वो है 1.5 किलोमीटर पर आवर, अगर ये 1.5 है तो बोट की कितनी होगी, 15 माइनस
1.5, तो आ गया 13.5 किलोमीटर पर आर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट बोल रहा है, अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होगी, अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होगी, जितनी उसकी स्पीड है उसमें से वाटर की स्ट्रीम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो अगेंस्ट द स्ट्रीम होगी। तो बोट की स्पीड हमने निकाली 13.5, वाटर की स्ट्रीम गिवन है 1.5, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम कितनी होगी, 12 किलोमीटर पर आर, 12 किलोमीटर पर आर उसकी स्पीड होगी अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अ स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स। एक तैराक है जो 36 किलोमीटर 6 घंटे के अंदर तैरता है डाउन स्ट्रीम जब वो धारा के साथ जाता है, और एक डिस्टेंस कवर करता है 40 किलोमीटर का 8 घंटे में जब वो धारा के विपरीत तैरता है। हमें स्पीड निकालनी है किसकी, तैराक की, स्टिल वाटर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले स्पीड निकालेंगे कितनी थी जब वो धारा के साथ तैरता है, तो 36 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, तो कितनी स्पीड आई, 6 किलोमीटर पर आर। और जब वो अगेंस्ट जाता है तब कितनी स्पीड थी, 40 किलोमीटर, कितनी थी 40 किलोमीटर, तो 40 कितने घंटे में, 8 घंटे में, तो 5 किलोमीटर पर आर स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ स्विमर प्लस वाटर कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर आर, अगेंस्ट कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आर, 2s इक्वल्स टू 11, s इक्वल्स टू कितना है, 5.5 किलोमीटर पर आर। यही हमें निकालना था, हमें क्या निकालना था, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर निकालनी है। ठीक है, तो बोट की स्पीड कितनी होगी, 5.5 किलोमीटर पर आर, और अगर उसकी स्टिल वाटर की स्पीड कितनी होगी, 6 माइनस 5.5 इक्वल्स टू 0.5 किलोमीटर पर आर, 5 किलोमीटर पर आर। इस वैल्यू को हमने किस में रखा, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, सोल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन 3 आवर्स अ स्विमर कैन बोट 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन सेम टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। 3 घंटे में एक स्विमर, एक तैराक है जो 21 किलोमीटर धारा के साथ जाता है और 15 किलोमीटर धारा के विपरीत उसी टाइम में, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें किसके निकालनी है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। जब वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, जब वो धारा के साथ जाता है तो कितना जाता है, 21 किलोमीटर, कितने, 3 घंटे में, तो स्पीड आई 7 किलोमीटर पर आवर। और जब धारा के वो विपरीत जाता है तब स्पीड कितनी होती है, तब कितना जाता है वो, 15 किलोमीटर उसी 3 घंटे में, तो स्पीड कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में बोला गया है बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी हुई, 7, बोट माइनस वाटर 5, दोनों को सोल्व किया 12, तो बोट की स्पीड कितनी आई, 6। तो बोट की स्पीड मतलब ये आ गई तैराक की स्पीड, किसकी आ गई, तैराक की स्पीड आई है, बोट मान लिया हमने उसे, किसकी ये स्पीड आई, तैराक की, 6 किलोमीटर पर आर। तो वाटर स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, इक्वेशन में फर्स्ट में रखो, आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आर। तो जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, 1 किलोमीटर पर आर। क्वेश्चन में गिवन था एक तैराक है 3 घंटे में जाता है 21 किलोमीटर, ठीक है, जब वो जाता है धारा के साथ, और 15 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत उसी टाइम में। सबसे पहले हमने स्पीड निकाली धारा के साथ, 7 किलोमीटर पर आर, धारा के विपरीत 5 किलोमीटर पर आर। इक्वेशन में रखा धारा के साथ क्या करते हैं, प्लस हो जाता है धारा के विपरीत, स्पीड में से माइनस हो जाती है किसकी, स्टिल वाटर की, ठीक है, स्ट्रीम की, सोल्व किया, आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू प्लेसेज आर 108 किलोमीटर अपार्ट, दो जगह है जो 108 किलोमीटर की जिनके अंदर दूरी है, मान लो 2 पॉइंट्स है, क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस है 108 किलोमीटर। टू बोट स्टार्ट फ्रॉम बोथ प्लेसेज एट सेम टाइम, दोनों जगह से दो नाव चलती हैं, यहां से भी और यहां से भी, एक ही टाइम पे चलती है। इफ वन बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम देन अदर वन इज गोइंग अप स्ट्रीम, एक जा रही होगी पानी के साथ विपरीत धारा में, मतलब पानी के साथ, और एक जा रही होगी पानी की विपरीत धारा में, एक तो पानी की धारा में जा रही होगी जिस तरह पानी बह रहा है, और एक उसके विपरीत धारा में। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर, वे कितनी देर बाद मिलेंगे, इफ दे आर स्पीड आर 12 किलोमीटर पर आर एंड 15 किलोमीटर पर आर, अगर उनकी स्पीड कितनी है, एक की 12 किलोमीटर पर आर है और एक की 15 किलोमीटर पर आर है,
ये बोल रहा है अगर ये किसकी है, इसकी 12 किलोमीटर पर आ रहे और इसकी 15 किलोमीटर पर आ रहे, ये धारा के साथ जा रही है तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम क्या होगी, 12 प्लस जो वाटर की स्पीड है, और ये अगेंस्ट आ रही है तो 15 माइनस जो उसकी, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ स्पीड 2 की दे रखी है तो क्या होगी रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितना है 108, रिलेटिव स्पीड इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 प्लस W प्लस 15 माइनस W, W से W कैंसिल, 12 प्लस 15 108/27, तो ये आ गया 4 आवर्स के अंदर वे कब मिलेंगे, 4 घंटे के बाद वे आपस में मिलेंगे। क्वेश्चन को दोबारा से देखिए जिनके समझ नहीं आया, टू प्लेसेज आर अपार्ट 108 किलोमीटर, दो जगह है जो 108 किलोमीटर की दूरी पर है, एक नाव यहाँ से चलती है दूसरी नाव यहाँ से चलती है एक ही टाइम पर, इस नाव की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आर जो पानी की सेम धारा में जा रही है, और इसकी जो विपरीत धारा में चलती है उसकी 15 किलोमीटर पर आर, तो सेम धारा में जाने के लिए एक ही धारा में जिस समय जिस एक ही धारा में बहने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जब उसके विपरीत धारा में जाते हैं तो माइनस करते हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस टोटल कितना है 108, और जब दो की स्पीड हो तो हम क्या करते हैं रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 108, तो आंसर आ गया 108/27, तो 4 घंटे के बाद वे मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउन स्ट्रीम व्हाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। क्वेश्चन नंबर 7, एक नाव है वो दुगना टाइम लेती है जब डाउन स्ट्रीम जाती है व्हाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का दुगना टाइम जाती है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इफ स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आर, अगर वाटर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आर है हमें बोट की स्पीड निकालनी है, ठीक है, बोट की स्पीड निकालनी है। सबसे पहले कितना टाइम लेती है, वाटर की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आर, जब वो उसके जाएगी सेम धारा में जिस साइड दोनों बह रहे होंगे तो क्या होगा, बोट प्लस वाटर कितना होगा, बोट प्लस वाटर कितना होगा 3, बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी दे रखी है तो बोट प्लस 3, जब वो कब सेम धारा में आती है जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ बह रही है तो बोट प्लस वाटर 3 होगा, और जब अगेंस्ट में जाएगी तो क्या होगा बी माइनस 3, जो उसकी स्पीड है अगेंस्ट में बह रही है तो वाटर की स्पीड कितनी दे रखी है स्ट्रीम की 3 किलोमीटर पर आर, तो माइनस होगा। उसके बाद ये बोल रहा है अ बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम, दोगुना टाइम लेती है, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना हुआ मान लो डिस्टेंस है डी, टाइम कितना, स्पीड कितनी है, स्पीड हो गई बी प्लस 3 जाने में, और डिस्टेंस अपॉन बी माइनस 3 वापस जो उसके विपरीत आ रही है वो दो गुना टाइम लेती है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व करो, डी से डी कैंसिल, ये हो जाएगा 2b-6=b+3, b+3 सोल्व किया ये इधर आ जाएगा माइनस, तो b=9 किलोमीटर पर आर। एक बार और देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बोल रहा है जब वो पानी की उसी धारा में बहती है जिस तरह पानी बहता है तो स्पीड क्या होगी b+3, जब वो अगेंस्ट में बहेगा तो स्पीड क्या होगी b-3, ठीक है, हमें दे रखा है टाइम स्पीड निकालनी है, ठीक है, कि उसकी स्पीड कितनी है, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जब वो उसकी उसी धारा में बहेगी जिस तरफ नदी बह रही है तो d/b+3, और d अगर विपरीत बहेगी तो d/b-3, डबल टाइम ले रही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2b-1, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया तो स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गया 9 किलोमीटर पर आर। अगर आपको गाइज मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ किए शेयर कीजिए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।